गुरुदेव की जो स्थिति है वो महामहिमामय है, महागरिमामय स्थिति है गुरुदेव की। भगवान ने यदि किसी को इतना ऊंचा आनंद देने के लिए नियुक्त किया है तो सोचो भगवान जगत के कितना प्रिय हो। भगवान की इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता तो पूरे विश्व को या इतने भक्तों को जो मंजरी बना रहे हैं वो स्वयं राधा प्रियाए नहीं हुई है वो भगवान के कितने प्रिय पार्षद। एक बार की बात है, एक उदाहरण के तौर पर आप बताएंगे कि एक व्यक्ति थे उन्होंने काली का मंत्र की दीक्षा लेनी चाहिए तो किन्हीं के पास गए तो उन्होंने काली मंत्र की दीक्षा ली। जब उन्हें दीक्षा प्राप्त हुई तो जिन्होंने दीक्षा दी थी उस मंत्र की वो कुछ पिए हुए थे मदिरा और अशुद्ध मंत्र उन्होंने कहा था, परंतु उनकी गुरुदेव में निष्ठा थी, वो एक साल तक जप करते रहे और एक साल जप करने के बाद काली माँ प्रकट हुई उनके समक्ष, उन भक्त के समक्ष। उन्होंने बोला, काली माँ ने स्वयं बोला, हे वत्स, तुम ये जो मंत्र कर रहे हो कि तुम्हारे गुरुदेव ने तुम्हें सही मंत्र नहीं दिया, यह अशुद्ध मंत्र है। तो भक्त ने बोला, खबरदार मैया, आप मेरे सर्वस्व हो पर मेरे गुरुदेव के बारे में कुछ मत, मेरे गुरुदेव मेरे लिए सब कुछ हैं, उन्होंने जो मुझे दिया है मैं केवल वही जपूंगा। काली मैया ने बोला कि मैं तुम्हें शुद्ध मंत्र देते, तुम वो जपो, उससे तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। उसने बिल्कुल मना किया, बिल्कुल नहीं, मैं सिर्फ वही मंत्र जपूंगा जो मेरे स्वामी मेरे गुरुदेव ने मुझे दिया। तो वही मंत्र गुरु निष्ठा देख के काली इतनी प्रसन्न हुई, काली माँ इतनी प्रसन्न हुई कि उन्होंने कहा कि तुम्हारी तो इस मंत्र सिद्धि होएगी ही होएगी, इसका तुम्हारा ये जो मंत्र है आगे से मैं जो ये मंत्र तुम्हारा जपेगा उसी से मैं उसकी मैं सिद्ध हो जाऊंगी, उसको मेरा दर्शन प्राप्त होगा, सिद्धि उसको किसी मंत्र से प्राप्त होगी जो तुम अशुद्ध मंत्र जप करो। तो सिद्धि प्राप्त होना जो है अपने प्रयास से नहीं होता, क्योंकि गुरुदेव में अटल निष्ठा थी, यहाँ जो मुझे मंत्र दिया मुझे इसी से सिद्धि प्राप्त हो, क्योंकि त्रुटि नहीं, गुरुदेव में दोष दर्शन नहीं किया। जबकि काली स्वयं बोल रही है कि सही मंत्र, फिर भी गुरुदेव में दोष दर्शन नहीं, गुरुदेव में परब्रह्म का दर्शन कर रहे हैं। गुरुदेव की जो स्थिति है वो महामहिमामय है, महागरिमामय स्थिति है गुरुदेव की। भगवान ने यदि किसी को इतना ऊंचा आनंद देने के लिए नियुक्त किया है तो सोचो भगवान जगत के कितना प्रिय हो। भगवान की इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता तो पूरे विश्व को या इतने भक्तों को जो मंजरी बना रहे हैं वो स्वयं राधा प्रियाए नहीं है, वो भगवान के कितने प्रिय पार्षद हैं।